शर्म नहीं आती आप लोगों को? अगर बीजेपी कांग्रेस में जाना होता ना मेरे को, तो मैं हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी ज्वाइन नहीं करती मैं। और आज भी मैं हनुमान बेनीवाल जी के साथ हूँ। शनिवार को आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ हनुमान बेनीवाल को उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी करारा झटका दिया। एक तरफ पुखराज गर्ग ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद से सियासी हलकों में ये चर्चा चलने लगी कि आखिर अब हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे। हालांकि बेनीवाल उसके बाद ये कह चुके हैं कि वो चले गए हैं, मैं तो कहीं नहीं गया ना, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच विधानसभा चुनाव के दौरान आरएलपी ज्वाइन करने वाली प्रिया मेघवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बॉडी बिल्डर प्रिया का कहना है कि अगर उनको कांग्रेस या बीजेपी में जाना ही होता तो वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी ज्वाइन नहीं करती। पहले सुनिए प्रिया ने आखिर क्या कुछ कहा। दो दिन पहले हनुमान बेनीवाल जी का कॉल आया था मेरे पास। कैसी हो प्रिया बेटे? मैंने कहा भाई साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कि मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा भाई साहब आपने मुझसे पूछा नहीं कि ये नाम कैसे आया। आप लोगों से अच्छे तो वो है जो उन्होंने मुझे ये बोला कि प्रिया मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, प्रिया ऐसा कुछ कर नहीं सकती। और आज मेरी सोशल मीडिया पे जाके कमेंट देखो आप, शर्म नहीं आती आप लोगों को थोड़ा बहुत भी? आप में और उन लोगों में क्या फर्क है जिन्होंने मेरा नाम लिस्ट में दे दिया, पेपर में दे दिया कि अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने बीजेपी ज्वाइन की? आप लोगों को इतना ही दर्द है ना मेरे नाम का, तो जाओ पूछो उन लोगों से कि कैसे नाम दिया और क्यों दिया। मुझ पे उंगली उठाने आप लोग आ जाते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अगर बीजेपी कांग्रेस में जाना होता ना मेरे को, तो मैं हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी ज्वाइन नहीं करती मैं। और आज भी मैं हनुमान बेनीवाल जी के साथ हूँ। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर प्रिया ने ये सब क्यों कहा। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस से काफी सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसपे प्रिया का भी नाम था, जिसके बाद प्रिया काफी भड़क गई और उन्होंने अपने विरोधियों को करारा जवाब दे डाला। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।